गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो क्लास है अलजेब्रा का 13th क्लास है, 13वां क्लास है। छोटे छोटे क्लास आपको मिल रहे हैं और छोटे छोटे क्लास के साथ आप धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और आगे सीखेंगे भी। लास्ट क्लास में आपने देखा था, आपको फैक्टर्स के बारे में बताया था, जहाँ पे एक फैक्टर आपके दिए हुए रहते हैं और आपको सवाल उससे पूछे जाते हैं, चाहे रिमाइंडर करके बात करें, चाहे फैक्टर्स करके बात करें, चाहे जीरोज करके बात करें, चाहे जो भी चीज़ें कहें। आज के क्लास में आपको एक से ज़्यादा फैक्टर देखने को मिलेंगे और इन सारे फैक्टर्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेगी। कुछ कुछ चीज़ें आपको अलग से मैं ऐसी दिखाऊंगा जो कि आपको मतलब समय बहुत हद तक बचत करेगा समय का। इस क्लास का मेन मोटिव यह है कि आपको मैं दिखाऊं कि जहाँ पे दो फैक्टर दिए रहते हैं, दो से ज़्यादा, जब फैक्टर एक्स प्लस वन ना हो करके एक्स स्क्वायर प्लस वन होता है, उस तरह के सिचुएशन में हम सवाल को क्विकली कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं छोटे से सवाल के साथ, जहाँ पे आपको दो फैक्टर दिए हैं। सवाल आप स्क्रीन पे देखिए, सवाल कर रहा है एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन दो फैक्टर है। एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन दो फैक्टर है, मैंने लिख दिया एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, यही दिया है ना, आप देख लीजिएगा अपनी तरफ से। बोल रहा है ये किसका फैक्टर है, तो बोल रहा है एक्स क्यू है प्लस ए प्लस वन का एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस टू एक्स माइनस सिक्स, इसका दिया हुआ है दो फैक्टर दिस और दिस है, और हमसे पूछ रहा है ए और बी की वैल्यू क्या होगी, हमसे पूछ रहा है ए और बी की वैल्यू क्या होगी। आपको मैंने बताया था कि कभी भी आपके फैक्टर आपके सामने आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, जो फैक्टर दिया हुआ है आप बताइए कि अगर ये इसका फैक्टर है तो जहाँ पे ये जीरो होगा वहाँ पे उसको भी जीरो होना पड़ेगा। ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, माइनस वन पे, तो इसको भी माइनस वन पे जीरो होना पड़ेगा। और ये जब माइनस वन देंगे तो माइनस वन की घात तीन मतलब माइनस वन, थोड़ा सा समय चुराइए, ए प्लस वन माइनस वन की घात दो मतलब वन, बी माइनस दो और फिर माइनस वन की घात माइनस वन मतलब माइनस वन ही है, एक से डायरेक्टली माइनस वन हो गया। ये कितना होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा अरेंज कीजिए तो आप यहाँ से ए दिख रहे होंगे, माइनस और माइनस प्लस भी हो गया, मतलब ए प्लस बी आपके सामने जो आएगा तो कहेंगे माइनस वन। ध्यान से देखिएगा, यहाँ माइनस वन और ये प्लस वन, ये वन इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस टू और माइनस सिक्स माइनस आठ जो कि आठ आ गया इधर, क्लियर है। नेक्स्ट कहते हैं कि जब ये जीरो हो जाएगा तो कितने पे जीरो होगा, तो कहेंगे एक्स जब दो हो जाएगा, और एक्स जब दो हो जाएगा तब ये जीरो होगा, तो एक्स दो डालेंगे तो आपका बताइए दो की घात तीन कितना होता है, आठ हो जाता है। और ए प्लस वन और यहाँ दो की घात दो कितना, चार माइनस बी माइनस दो और दो की घात एक मतलब दो, इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए कि ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे ए है, आठ हो गया और यहाँ पे अच्छा फोर बी हो गया, फोर गुना होगा फोर ए माइनस टू गुना हो जाएगा टू बी। अब देखिए बताइए कि यहाँ चार है, आठ चार बारह हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस दो, दो दूना चार बारह चार सोलह, और सोलह में से छः गया, कितना बच गया आपका 10, और 10 उधर जाके बनेगा माइनस मतलब 2a माइनस बी आपका हो गया माइनस 5, माइनस का 5। अब आपको इस दो इक्वेशन को सोल्व करना है, दो इक्वेशन को सोल्व करना है, ध्यान से अगर जोड़ देंगे आप दोनों इक्वेशन को सिर्फ तो b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़कर बताइए, दोनों इक्वेशन को जब जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2a और a कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 3a हो जाएगा, ये b और माइनस बी और प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस पाँच और आठ कितना हो जाएगा 3, और a की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये जैसे ही 1 आ गया तो ये अगर 1 है तो ये कितना होगा, तो कहेंगे 7 होगा, तभी तो 7 और 1 8 होगा, तो आपको मिल गया कि a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 7। ये छोटा सा सवाल था जहाँ पे आपको दो अलग अलग फैक्टर दिए हुए थे। इसी तरह का सवाल आपके असाइनमेंट में और भी है, वो आप बनाइएगा। मैं एक नेक्स्ट सवाल ले रहा हूं, इस सवाल को आप देखिए। सवाल में इस पर जो आपके सामने जो दो फैक्टर दिए हुए हैं वो थोड़े से अलग हटके दिए हुए हैं, करा एक्स की पावर चार एक्स की पावर तीन ए एक्स स्क्वायर, फिर आपको बोल रहा है एक्स प्लस बी, बोल रहा है पूर्णतः विभाजित है एग्जैक्टली डिविजुअल बाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो आपको बताना है ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो अब इस तरह के सवाल में आपको तो डायरेक्ट दिए हुए हैं नहीं दो फैक्टर, अब आप इसको जीरो जब करेंगे तभी तो दो फैक्टर निकालेंगे, तो इसको जीरो करने का मतलब हो गया कि जब इसको आप जीरो करेंगे तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर, अच्छा डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, दो को वन और दो लिख देंगे तो माइनस वन माइनस दो का गुणनफल माइनस वन माइनस दो का गुणनफल दो, काम कर गया, और दोनों का जोड़ माइनस तीन मतलब इसका दो फैक्टर एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू होगा जो कि जीरो है, इसका मतलब एक्स वन होगा और दूसरा एक्स क्या होगा
टू होगा, बस इसी एक्स को वन डालना है क्योंकि एक्स बराबर वन पे ये जीरो हो रहा है, एक्स बराबर टू पे भी ये जीरो हो रहा है, मतलब ऊपर वाला भी एक्स बराबर वन और एक्स बराबर टू पे क्या होगा, जीरो होगा। तो एक्स बराबर वन डालेंगे तो देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, वन डालेंगे तो ये वन हो गया और ये वन हो गया, मतलब ए प्लस वन प्लस बी बराबर जीरो, मतलब ए प्लस बी प्लस वन बराबर जीरो। ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया, तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये वन मतलब ए बी और ये वन जीरो हो गया। अब एक्स की वैल्यू दो डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दो की घात चार मतलब सोलह और दो की घात तीन मतलब आठ, कीजिए मेरे साथ, सोलह माइनस आठ बचा आठ और एक्स की घात यहाँ पे दो डालेंगे तो आठ दो दस हो गया, मतलब ये माइनस दस आ जाएगा उधर जाकर और इधर बचेगा कितना, तो कहेंगे चार ए, दो डालेंगे यहाँ पे तो फोर ए प्लस बी, फोर ए प्लस बी बराबर इतना, दोनों को माइनस कर दीजिए, अगर दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस थ्री हो जाएगा, होगा ना, माइनस करने का मतलब होता है नीचे वाले का साइन चेंज करना, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ए माइनस फोर ए माइनस थ्री है और यहाँ पे कितना हो गया, इसको उधर कर दे रहा हूँ मैं माइनस वन को, तो ये कितना हो गया माइनस नाइन और ए की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी प्लस नाइन, ए की वैल्यू कितनी आ गई प्लस थ्री, ए की वैल्यू जैसे ही प्लस थ्री आ गई तो आप बी निकाल सकते हो और बी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कितना हमारा बी कहाँ गया, इसी को ले लीजिए, ए की वैल्यू माइनस तीन डाल देंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। तो ये हमारा सवाल, छोटा सा सवाल। अब जो आगे का सवाल आपके सामने आ रहा है उस सवाल को देखिए, बड़ा अच्छा सा सवाल है, कह रहा है एफ एक्स की वैल्यू एक फंक्शन दे रखी है, जी एक्स एक फंक्शन दे रहा है, एक्स माइनस टू बोल रहा है कि फैक्टर है, सब थोड़ा सा बात करने का तरीका बदला है, थोड़ा सा दो तीन चीज़ों को मिलाने की कोशिश करा है, लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल बोल रहा है कि एफ एक्स जो है हमारा, एफ एक्स कितना है, तो कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टू दिया हुआ है, जी एक्स कितना दिया हुआ है, तो कहेंगे बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन दिया हुआ है। बोल रहा है एक्स माइनस दो फैक्टर है इसका, इसका दो फैक्टर, एक्स माइनस टू कितना दिया हुआ है, फैक्टर दिया हुआ है, x माइनस दो इसका एक फैक्टर है, और जी एक्स के बारे में बोल रहा है क्या कि एंड लिव्स द रिमाइंडर माइनस वन व्हेन इट डिवाइड्स जी एक्स, और इसको जब भाग कर रहा है यही x माइनस दो तो रिमाइंडर कितना दे रहा है माइनस पंद्रह, आपसे पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ b। ध्यान क्या देना है, ये इसको अगर काटेगा, ये इसको काटेगा मतलब जहां पे ये जीरो होगा वहां पे इसको भी जीरो होना पड़ेगा, तो इसको जीरो होने के लिए आप डाल दीजिए x की वैल्यू दो, कितना क्यों डालेंगे x की वैल्यू दो, क्योंकि x माइनस टू से पूर्णता करता है और x माइनस टू जीरो कहाँ पे होता है, जब x दो होता है, तो यहाँ पे दो डालेंगे तो कितना हो जाएगा फोर ए प्लस टू बी प्लस टू बराबर जीरो, इसको छोटा अगर करेंगे तो टू ए प्लस बी बराबर माइनस टू अगर करेंगे, तो बाकी देख लेंगे आगे पे करना है कि नहीं। यहाँ बोल रहा है x माइनस टू से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो फैक्टर माइनस रिमाइंडर माइनस पंद्रह आएगा, शेष माइनस पंद्रह आएगा, तो मैंने बताया था कि इसको भी जीरो कीजिए और इसी को इसमें डाल के बताइए कि क्या आना चाहिए, अगर कटेगा तो जीरो आना चाहिए और अगर नहीं कटा तो जो बचेगा वही शेष होगा, मतलब जो x की वैल्यू टू डालेंगे और आपको पता है x माइनस टू से नहीं कट रहा शेष पंद्रह जा रहा है, इसका मतलब जो x की वैल्यू इसमें टू डालेंगे तो जो फोर बी प्लस टू ए आएगा ये कितना आएगा शेष के बराबर आएगा, जीरो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये फैक्टर नहीं है, क्लियर है। तो अब मुझे बताइए कि फोर बी प्लस टू ए बराबर कितना हो गया माइनस सोलह, मतलब देखिए यहाँ टू ए यहाँ भी है यहाँ भी टू ए है, मैं इसको इसको उल्टा लिख दे रहा हूँ, टू ए प्लस फोर बी बराबर माइनस सोलह और इसको इसके साथ माइनस कर दे रहा हूँ, तो पहले मैं साइन चेंज करके लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, ये कट गया ऐड कर दे रहा हूँ कितना आ गया 3b और ये आ गया माइनस फोर्टीन, तो b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस फोर्टीन बाई थ्री, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है भैया, छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, जब इसको मैंने डिवाइड किया था 2 से तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा माइनस 1 और ये माइनस 1 हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस 1 और ये आ जाएगा माइनस का 15 और b का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 5, क्लियर है। तो ये हमारा माइनस फाइव बी का वैल्यू है। एक सवाल और ले रहा हूं मैं, देखिए सवाल को, छोटा सा सवाल है, सवाल को कैसे छोटा करेंगे यहां पे आपको सही से मायने में देखने को मिलेगा इस सवाल में,
क्योंकि यहाँ पे फैक्टर जो दिया हुआ है थोड़ा सा मज़ेदार दिया हुआ है, बोल रहा है एक्स क्यू जो है माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टेन के, बोल रहा है इसको एक्स स्क्वायर प्लस टू पूर्णता विभाजित किया जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू से पूर्णता विभाजित किया जाता है तो शेषफल माइनस टू एक्स बचता है, शेषफल कितना बचता है माइनस टू एक्स बचता है। अब आपसे बात कर रहा है कि के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अगर हम जीरो करेंगे तो कैसे काम चलेगा, यहाँ पे जीरो करेंगे तो एक्स तो निकल नहीं पाएगा। अब देख रहे होंगे तो इस तरह की सिचुएशन में हम फिर भी जीरो करेंगे और एक्स की वैल्यू हम नहीं निकालेंगे, हम एक्स स्क्वायर की ही वैल्यू पे काम चला लेंगे। किस पे काम चलाएंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पे काम चलाएंगे। ध्यान रखना यहाँ पे हम एक्स नहीं निकालेंगे। अब बताइए कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस टू होगी तभी तो ये जीरो होगा, बस इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस टू डाल दीजिए तो एक्स क्यू को आप लिख सकते हैं ऐसे करके, एक्स स्क्वायर गुना एक्स फिर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टेन के, और इसमें जब डालेंगे आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस टू तो रिमाइंडर कितना जाएगा माइनस टू एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पर डाल दीजिए माइनस टू तो माइनस टू एक्स, यहाँ पर डाल दीजिए फाइव और यहाँ माइनस टू, ध्यान से देखिएगा प्लस टेन के और ये कितना आना चाहिए माइनस टू एक्स शेष, क्योंकि शेष कितना दिया है माइनस टू एक्स। अगर आप ये कर पाते हैं तो आपको पता चला ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया पूरा दस, तो के की वैल्यू आ गई माइनस एक। क्लियर है, इसी चीज़ को बताने के लिए मैं आपको बोल रहा था कि कैसे इसको अप्लाई करना है। एक सवाल और देखिए आप इस तरह का, इस सवाल में चीज़ें और आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि x टू द पावर 6 प्लस पी एक्स टू द पावर 5 प्लस क्यू एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, बोल रहा है ये डिविजिबल है x टू द पावर 4 माइनस 1 से, और आपको पूछ रहा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। ये डिविजिबल है एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 से, तो मैंने आपको बताया अभी लास्ट सवाल में कि आपको इसको जीरो करना है और एक्स 4 की वैल्यू 1 आ जाता है, एक्स 4 की जो वैल्यू आ रहा है डायरेक्टली इसको डाल के देखिए क्या डाल सकते हैं, तो कहेंगे हाँ सर इसको हम एक्स टू पावर 4 इंटू एक्स की पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 2, और ये तो हमारा कितना 1 है, मतलब इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस पी। यहाँ पे x की पावर 5 को आप लिख सकते हैं x गुना x की पावर 4 और x की पावर 4 1 है, मतलब सिर्फ px हो गया। फिर यहाँ पे x की पावर 4 को 1 लिख सकते हैं, ये उतना ही रह जाएगा और यहाँ x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है, देखिए आपका ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब आपके सामने आया है px माइनस एक्स प्लस क्यू माइनस 3 बराबर 0। ध्यान से देखिएगा ये जीरो हो रहा है। अब दूसरी बात कहेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 बराबर 1 है तो आप कहेंगे इसका मतलब एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी प्लस माइनस 1, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब माइनस 1 होगी, हमें एक्स स्क्वायर से मतलब नहीं, देख लीजिएगा एक्स से हमें मतलब नहीं है, एक्स स्क्वायर से हमें एक्स तक पहुँचना है, तो एक्स की वैल्यू या तो माइनस 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी या प्लस 1, इसको हम इग्नोर करेंगे, रूट में आ रहा है नेगेटिव में इमेजिनरी आ रहा है तो हम इस पर बात करेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 1, तो इसी में x की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा p माइनस 1 प्लस q माइनस 3 बराबर 0, और इसी में x की वैल्यू जब माइनस 1 डालेंगे तो माइनस p प्लस 1 प्लस q माइनस 3 बराबर 0, मतलब p प्लस q की वैल्यू कितनी हो गई तो कहेंगे 4, और यहाँ पे कहेंगे p माइनस q मैं लिख दे रहा हूँ, क्या q माइनस p है तो q माइनस p मैं लिख दे रहा हूँ, कितना हो गया तो ये उधर चला गया तो माइनस 2, मतलब हो गया हमारा 2। इसका मतलब कि क्यू हमें निकालना क्या है, पी प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना है, तो आप देखिए पी की वैल्यू अगर पता क्यू की वैल्यू पता करेंगे तो 4 2 6 कितना आ गया 6 बटा 2 3। मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब भी दो चीज़ों का जोड़ दिया रहे, दो चीज़ को माइनस दिया रहे, तो जो प्लस वाला चीज़ दोनों जगह होता है, यहाँ पे प्लस वाला चीज़ कौन है दोनों जगह क्यू है, तो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कीजिए 3, और जब आप देखिए पी प्लस क्यू 4 है जिसमें से क्यू 3 है तो पी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और हमें इसी को दोनों का जोड़ का पता करना था और ये कितना आ गया 10 आ गया। अगर आप यहाँ पे अलग अलग डालते हैं x की वैल्यू 1 x की वैल्यू माइनस 1 तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। आपने लास्ट वाला इस सवाल में ये चला के सीखी है कि जब भी x स्क्वायर दिया रहे, x 3 दिया रहे, x 4 दिया रहे तो डायरेक्टली उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। आगे के भी सवाल जो आएंगे उसमें मैं इस तरह की चीज़ अप्लाई करना सिखाऊंगा, तब तक आप
वीडियो को शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर कीजिए, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट कीजिए और कमेंट करके बताते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी टाइम पे फिर से मिलूंगा नेक्स्ट क्लास लेकर, जहाँ पे हम कुछ पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर और रूट्स के कुछ और भी सवाल। थैंक यू।